वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा फरजाना साहब, ना कि 1977 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद जुल्फ़ भुट्टो जो उन्होंने अचानक रावलपिंडी नमदार होए तो उन्होंने आगे किया मेरे खिलाफ साजिशां हो रही हैं इस वक्त की अमरीका के कहने, उन्होंने उस वक्त वजीर खारजा का खत भी फाड़िया। लेकिन असी देखा कि थोड़े अरसे बाद गवर्नमेंट, हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी बहुत मजबूत, गवर्नमेंट उन्होंने हटा दी गई जावलक साहब ने 1993 सेम यही गल्ला मियां नवाज शरीफ साहब ने आके कीतियां और उन्होंने कौम नाल खिताब किया। लेकिन साख साहब ने अगले 24 आवर्स उन्हां दी गवर्नमेंट कर दित्ती। क्या तुसीं समझदे ने कि रिपीट कर रही है और जरदारी साहब भी जिस तरह उसी टोन च गल कर रहे ने, तकलीफ दा इजहार कर रहे ने और कह रहे ने मेरे खिलाफ साजिशां, ते पहले भी दो दफा साजिशां कामयाब ने, कि तीजी दफा ते नहीं हो जाणगीआं? तो उस वक्त ते मुल्की हालात जमीन आसमान दा फर्क है। पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट च और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है और पाकिस्तान की बका की जमानत है, पहली चीज। दूसरी है कि उस वक्त आके जमहूरियत साइन नहीं सी होया हुआ दो बड़िया सियासी जमातों के अंदर, कि असी के अंदर ऐसी खूबसूरत सियासी फजा जी कायम है जिदे असी मैंडेट है आवाम ने जिन्हें दिता है वह इतरा करना है। यानी साफ लिखा है कि कोई सियासी जमात तौर पर जाके एस्टैबलिशमेंट नाल मिलके मौजूदा जी सिटिंग हुकूमत जी भी होगी खिलाफ कोई साजिश नहीं करेगी। ये बड़ा एक साफ किस्म का डॉक्यूमेंट साइन होया, उसके ते अमल दरामद की भी पूरी कोशिश हो रही है। सब तो ज्यादा मिसाल पूरी दे उते अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, बुरी तरह डैमेज किया सारे मुआहदे ने। जिहड़ी उन्हां दे खदशात जिन्हां दा इजहार वो कर रहे ने सिफारिशात साड़ी तरफों बना के नवाज शरीफ के हवाले कर दी गई दूसरी स्टेक होल्डर ने पोलिटिकल पार्टी ने उन्होंने हवाले भी कर दी गई सन। बाद सारा प्रोसेस में उदे जाके वक्त नहीं करना चाहती। मैं अगे आवांगी कि आईनी इस्लाहात की कमेटी तशकील गई जिदे विच सारिया जमातों की मैंबर जिदे विच नून लीग की भी है और इंशाल्लाह ताला कोशिश करके खुद उस दिन एस एम जफर साहब इंटरव्यू दिता जिहड़े उहदे मैंबर ने नून लीग के सरदार साहब और दूसरे जिहड़े लोग ने उन्होंने कहा जी कि असीं तेजी नाल उहदे ते काम कर रहे हैं। मियाँ रजा रबानी साहब इंटैग्रिटी ते किसी नूं कोई शक नहीं, मिल के असीं काम करके इहदे विच जल्दी सामने आनी है। तुसीं देखो कि साला दी अमरीयत नाल पैदा होने वाले मसल नूं हल करन वास्ते वापस लियाण वास्ते एक वक्त दरकार होंदा है। कोई चीज तुसीं समरी दी भी गल कर रहे हो, सो समरी दा भी वक्त ते साइन होने दा एक प्रोसेस है, इसे तरह भी वक्त दरकार है देते और इंशाल्लाह दी आवाम दे सामने एक अच्छा फैसला आ जाएगा। उदय ते सबर करके तहमुल नाल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दी रूह की है सबर तहमुल बर्दाश्त। नहीं अगर तुसीं उहदी सारीयां शिकां जिहड़ियां ने उहदे विच ਤਹਮੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ पास हुई ने यूनैनिमस करारदादा पास पाकिस्तान की पार्लीमानी तारीख ही पहले नहीं होया तो यह मतलब है कि अस जुल के चल रहे हैं ना। पहले मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश की जिले मियाँ नवाज शरीफ पार्टी ने वेख्या कि इन्ने मुश्किल ने अमराना दौर मुशरफ के छड़े हुए मामलात ने कि यह तो साढ़े तनकीद निशाना बनाएंगे। उन्होंने उस वक्त फैसला कर लिया, उस तो वह बहार आ जावन, चलो उन्होंने पार्टी बेशक किस नीयत नाल कीता गया किस कीता गया असीं उहदे ते शक नहीं करदे। लेकिन ते देख रहे ना आवाम को खुदा दा मैं एक गल जरूर कहांगी, क्योंकि कन्न दे पासे रोटी खांदे ना, रोटी ते मुंह चों खांदे ने, सारे समझदे ने दिमाग भी अता कीता होया ते और माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम ज़हीन भी बहुत ते वो सारियां चीज़ां समझ रहे ने। चीज हुण थोड़ी देर पहले कही सी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब गए ने ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे वर्कर्स ने उन्हां इस्तकबाल साढ़े चीफ साहब ने उन्हों का इस्तकबाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी झंडिया नाल कीता। पंजाब विच की होया तुहाडे सामने मैं उन्हों रिपीट नहीं करांगी।
इस तो साफ एक चीज से आवाम सवाल उठता है और जवाब भी आता होगा जरूर कहते होंगे होंगे कि फर्क साफ है। अच्छा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नू के सरबराह नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिन एक बड़ा जिसल जरदारी साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा आई विल बी द लास्ट पर्सन कि जो जरदारी साहब के खिलाफ जो इसलिए सारे छड भी गए तो मैं एक पास तो मुस्लिम लीग नू का पोस्चर है तेरे इन्नी गुडविल तुम शो कर रहे हैं, दूजे पास जरदारी साहब ने अचानक आके ऐलान मैं लाहौर से अपना दरबार ला दरबार लावगा हर आवाना और अपने फ्रीकुंट विजिट इतने रखा, वो बड़ा तुम समझते नहीं कि जगह जगह रिच कर रहे हो मुस्लिम लीग नू की उनकी आदत जी है दोवें मियाँ बरादरान बाहर ने कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का एक दो दिन पहले जो बयान आया वो बड़ा उन्होंने मायूसी का इजहार किया सदर इस विजिट के उत्तों राणा सनाउल्लाह साहब जो पिछले वजीरे कानून ने नून लीग नू इस टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने बड़े सख्त बयान जरदारी साहब खिलाफ आए राजा रियाज साहब और दीगर फिर ताडे वालों टिट फॉर टैट होया तो तुम कि नहीं समझते कि बार पीपल्स पार्टी नून लीग नू डिच कर रही है पॉलिटिकली डिच करन आ गई है। देखो मेरे मैं इतफाक नहीं करांगी जी तुसी लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिच कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सब तो सियासी जमात है। दूसरा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत से जो फांसी उन्होंने लाई गई तो अगर किसी ने अपने आप अग लाई जज्बात आके तो पाकिस्तान के सब तो वे सूबे पंजाब के वर्कर सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो तुम ये वेखो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है पंजाब, तो पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत और पंजाब में सदरे पाकिस्तान फेडरेशन की अलामत ने उन्होंने जिन्होंने चारे सूबे की नुमाइंदगी जिन्होंने सूबे के एम पी एस उन्होंने वोट दिते हुए हैं, मतलब समझ लो पंजाब भी उन्होंने हल्का है सिंध भी उन्होंने हल्का है और चारों सूबे उन्होंने फ्रंट पंजाब आना आवाम मिलना एम पी एस मिलना एम पी एस के जो मसाइल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने हल करना उन्होंने खिताब करना यह सदर साहब है ए पार्टी नू डिच करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।